छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर मलांगेर एरिया कमेटी के प्रतिबंधित नक्सली संगठन में गोंडेरास पंचायत ग्राम रक्षा दल का सदस्य देवा कवासी ने आज पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने डीआरजी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। बता दें कि देवा कवासी का आत्मसमर्पण कराने में 111वीं वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आत्मसमर्पित नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे। वहीं लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 169 इनामी माओवादी समेत कुल 666 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा से संवाददाता चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर दरबा डिवीजन अंतर्गत काम करने वाले मलांगर एरिया कमेटी के गोंडेरास पंचायत ग्राम रक्षा दल सदस्य के रूप में देवा कवासी निवासी गोंडेरास निंडीपारा द्वारा आज दिनांक 31/1/2024 को डीआरजी कार्यालय में समर्पण किया गया। ये उस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां जैसे कि सड़क खोदना, रोड काटना, इसके अलावा नक्सल बंद के दौरान बैनर पोस्टर चस्पा करने इत्यादि में शामिल रहा है। अब तक दंतेवाड़ा जिले में 169 इनामी माओवादियों के सहित कुल 666 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।